जितना वापस हटाते होंगे उतनी ऊपर से दर के आ जाती है मिट्टी नीचे। और ये देखो रोड पे चट्टाने गिरी हुई है ऊपर से। छः किलोमीटर है काजा यहाँ से। बड़ा ही सुंदर स्मूथ रोड है, ऊपर तो बिल्कुल ऑफ रोड था। आज के दिन का ऑफ रोड साइड हमने कर लिया। नाकुल साइड जा रहे हैं, पता नहीं वहाँ ऑफ रोड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक से एक बढ़ के पहाड़ देखने को मिल रहे हैं भाई इधर। देखो बादल हो गए, पूरा छाया आ गई, थोड़ी देर पहले धूप थी। हमने काजा का गेट भी क्रॉस कर लिया, उतराई है पूरी। जाओ बे आगे। अच्छा बता देना कहाँ तक जाना है। यहीं के रहने वाले हैं आप? अच्छा ऊपर गांव हमारा। क्या नाम है गांव का? माने। अच्छा अच्छा माने गांव है यहाँ। हम बिहार बिहार में काम काम करते हैं ना। ओके ओके चलो जी। वेलकम भाई, वेलकम भाई, वेलकम। काम चल रहा है भाई रोड का, बीआरओ काम कर रहा है। जितना वापस हटाते होंगे उतनी ऊपर से दर के आ जाती है मिट्टी नीचे रोड पे ना। ऐसे ही देखने से लग रहा है। ये देखो ढेर लग गए हैं ऊपर से। देखो ये सब दर के आई ऊपर से मिट्टी, यहाँ तो पूरा का पूरा ही आ गया है। हटाते रहते हैं डे बाई डे, नहीं तो बंद ही हो जाएगा रास्ता। फिर ताबो 18 किलोमीटर है और सुमदो 45 किलोमीटर और है। देखो गिर रही है ऊपर से मिट्टी, बहुत ज़्यादा तेज हवा है।
अच्छा ये है तावो ब्रिज। ओके तावो ब्रिज क्रॉस कर ली तो तावो आ ही जाएगा। हाँ यही है तावो विलेज। अपनी गाड़ी कहाँ गई दिख नहीं रही है। ग्राम पंचायत तावो आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। थैंक यू। ये मिनिस्ट्री अंदर, इधर लगाता हूँ बाइक आगे गेट के पास में ना। ये है ओल्ड मिनिस्ट्री जो पूरी मिट्टी से बनी हुई है। चलो देखते हैं। अभी तावो मिनिस्ट्री देख के वापिस जा रहे हैं। अंदर की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलोनी है यहाँ पे, तो चलते हैं वापिस। सो गाइस हम जा रहे हैं ग्यू विलेज। वहाँ 500 साल पुरानी एक मम्मी है, वो देखेंगे। अभी 33 किलोमीटर है विलेज यहाँ से। बाइकर्स का ग्रुप आ रहा है। चट्टानों को काट के कैसे बनाए होंगे रोड में, ये सोच रहा हूँ। और अभी भी 11 किलोमीटर और बता रहा है, 25 मिनट का रास्ता। गाड़ी बहुत पीछे है अभी। गाड़ी तब तक आएगी तब तक मैं वहाँ वेट करूँगा जहाँ से ट्रैवल करना होगा। और हवाएं चल रही हैं काफ़ी तेज़। ऐसा क्यों है ये नहीं पता, ना इधर पेड़ ना कुछ, फिर भी हवाएँ तेज़ कैसे हैं नहीं पता। हवा की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही होगी, पता नहीं माइक रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बट हवा बहुत तेज है। ओम हर हर महादेव की जय। महादेव जी का एक छोटा सा मंदिर है चट्टान के बीच में। और ये देखो रोड पे चट्टानें गिरी हुई हैं ऊपर से, कब गिरी पता नहीं। उसे ये शायद रास्ता पत्थर पत्थर ना गिरे बस। ग्यू विलेज इस साइड ही है। आ, 20 मिनट और लगेंगे यहाँ से, 8.2 किलोमीटर है। बैटरी भी चेंज करनी है मुझे। और ये देखो ये नाला भाई साहब,
कितना तेज बह रहा है, कितना भयानक नाला है, इसमें कोई गिरेगा तो संभल नहीं पाएगा। ये देखो नीचे बड़ा भयानक है। गाड़ी दिख नहीं रही अपनी दूर दूर तक। धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ते हैं फिर से। 8 किलोमीटर होगा ये। बाइकर जाए नहीं मेरे साथ में। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं कयू मिनिस्ट्री में और अभी जा रहे हैं। वहाँ मम्मी है, कितने हजार, 500 साल पुरानी है क्या? 500 साल पुरानी है शायद, लिखा होगा, देखते हैं। तो गाइस अभी रुके थे, हम निकले नहीं अभी तक। गाड़ी का पिछला टायर हो गया पंचर, उसमें भरी हवा इस पंप से हमने। चलो भाई निकलते हैं। चलो ठीक है, एंट्री करवा दी। कहाँ पे है? समुंदों में चेक पोस्ट है इधर भी एक, जैसे उधर थी रोहतांग के पास थी मनाली में, और लोसर में थी एक, और तीसरी चेक पोस्ट है मिली हमें। हो गई, निकल रहा हूँ मैं। हाँ नाको रुकता हूँ, आ जाओ आ जाओ। चलो जी, सुंदर सा पुल बना रखा है, सब बिहारों का कमाल है। पूह बता रहा है इधर 69, बट नाको का कोई डिस्टेंस बता नहीं रहा है। पर हाईवे बहुत सुंदर बनाया अभी, जितने भी हमने वो टफ रास्ते टफ रोड्स थे ना वो छोड़ दिए पीछे, अभी ये पूरा हाईवे है। पर मुझे लगता है कि शायद हमें शिमला तक ऐसा हाईवे मिलने वाला है अभी। तो आज नाको में रुकने का प्लान है हमारा, नाको में जाते होम स्टे लेना है। ग्राम पंचायत नाको आपका अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। चलो हाईवे के बगल में ही है विलेज, ज़्यादा दूर नहीं है।
इज़ अपना होम स्टे, ये है पार्किंग में गाड़ियाँ लगाएंगे, भी पहले कार लगाएंगे फिर लगेगी। जय महाराष्ट्र। चलो भाई, एट लास्ट वी डिड इट। इक्के कने कगला, हाँ तो ठीक है ना दर्शन से। ठीक है भैया। सो गाइस फाइनली हम नाको पहुंच गए और हमें होम स्टे भी मिल गया, और अच्छी बात, सबसे अच्छी बात है कि नेटवर्क भी है। और अभी डिनर करेंगे और उसके बाद मुझे करना है वीडियो का काम। वीडियो एडिटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बट उसमें थोड़ा सा काम बचा है, वो करूंगा फिर वीडियो अपलोड करूंगा, बिकॉज कल फ्राइडे है ना, कल वीडियो आएगी। तो बस जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, फिर काम में लग जाते हैं।